अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरा हाल तो आप देख ही सकते हैं, फुल टाइम गर्मी है। सुबह वेदर काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा आज बाहर निकलते हैं, कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं, लेकिन अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हवा चल रही है। वेल, मैं कुछ कैप्चर कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये चिमनी है। हम इधर ईंटों के बट्टे पे आए हैं, तो अभी इसका टोटली प्रोसेस जानेंगे, किस तरह बनती हैं, किस तरह स्टार्ट होता है और किधर जाके ये प्रोसेस एंड होता है। तो लेट्स सी। ईंटें बनाने का जो मेन प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होता है। ये देखें, यहाँ पर ये गारा बनाया जा रहा है पानी की मदद से। गारा बनाएंगे पहले, फिर वो देख सकते हैं आप, ये सांचे हैं, तो इसमें डाल के इस तरह ईंटें बनाई जाती हैं कच्ची। और ये टाइल का है, ये जो छत पे यूज़ होती है, ये इसकी मोटाई कम होती है, देख सकते हैं आप। ये सारी वो है, ड्राई होने के लिए इधर देखें ईंटें डाली हुई हैं। अगर गर्मियों का मौसम है 45 डिग्री या राउंड अबाउट टेम्परेचर, तो एक दिन के बाद ये ड्राई हो जाएंगी और उधर पकने के लिए डाल दी जाती हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो ये तकरीबन एक वीक लेता है ड्राई होने के लिए। और अगर गर्मियां हैं और नमी है, बारिश वगैरह हो गई है, तो दो दिन मोस्टली लेती हैं ये ड्राई होने। जो कच्ची ईंटें उधर से लाई जाती हैं वो देख सकते हैं, वो इस तरह लगाई जाती हैं। ये रोज़ में इस तरह बना के इसमें थोड़ा गैप भी होता है, जिसके में कोयला डाला जाता है, लकड़ियाँ डाली जाती हैं और ये टाइट कर दी जाती है। फायदा हो जाए बाबा, आई बाँच रहे ना बाबा? हाँ बाबा, एक मिनट, आई आई लाल पिछाड़ी लाल ओ आई पिछा जाओ जो कच्ची ईंटें उधर से आती हैं, मैं इधर ये इस तरह लगाया जाता है दीवार की सूरत में, तो इसके ऊपर इसमें कोयला डाल दिया जाएगा। ऊपर ये जो होती है केरी है बारीक, ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर डाल दी जाएगी और इसको एयर टाइट कर दिया जाएगा। साइड पे ईंटें लगाकर उसको लिपाई जो होती है मिट्टी के साथ, वो कर दी जाती है, तो ये एक वीक के बाद पकती हैं। तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कोयला है जो ईंटें पकाने के लिए काम आता है, साथ में वो लकड़ी भी यूज़ होती है। लेकिन तो व्यूअर्स, जो ईंटें पक चुकी होती हैं वो देख सकते हैं आप इस तरह है, ये इनके ऊपर ढेरियाँ लगी हुई हैं, ये सारी नीचे जो हैं ईंटें इधर हैं, ये पक चुकी हैं, ये ना मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। नेक्स्ट, तो इधर आ जाए मेरे साथ। तो इनके ऊपर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं लोहे की, ये
तो ये अभी पक रही हैं ईंटें, ये देखें वो जो अंकल हैं वो चेक कर रहे हैं कि पकी हैं या नहीं है। तो ये एक वीक लगता है तकरीबन, एक वीक के बाद ये ईंट पकती है। तो इसमें कोयला डाला हुआ है, आग जल रही है, फुल हीट आ रही है ऊपर से, पाँव को लग रही है, फील हो रहा है फुल। तो इसके नीचे आग है छोटी, तो मैं दिखाता हूँ आपको साइड से भी कि जहाँ से ईंटें निकाली जाती हैं जब पक जाती हैं। जो मैंने जूते पहने हैं ये फुल हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बहुत हीट लग रही है। लेकिन ये देख सकते हैं ये लकड़ी की है जूता, लकड़ी की जूत चलेगी। अच्छा, लकड़ी की जूत चलेगी। ये देख सकते हैं आप जो अंकल ने पहनी हुई है, ये इधर सेफ है, अदरवाइज आपके पांव जल सकते हैं, ये मेल्ट हो जाएगी। अगर कोई दूसरा जूता होगा तो वो एक मिनट के अंदर अंदर मेल्ट हो जाएगा। मुझे फुल हीट फील हो रही है, लेकिन ये जो लकड़ी की है ये कंफर्टेबल है, यानी कि बंदा इधर चल सकता है इसको। ये देख सकते हैं आप, ये चिमनी है। मुझे पहले था कि सारी जो ईंटें वगैरह इसमें किसी तरह डाली जाती हैं, लेकिन ये जस्ट धुआं वगैरह कैच करती है। ये इधर ये देख सकते हैं, ये खाली जगह है, दोनों साइडों पे इसके ईंटें होती हैं, चार तरफ, चारों तरफ जो हैं ये चिमनी के ईंटें दबाई होती हैं, तो ये उसका धुआं कैच करके बाहर निकालती है। ये जस्ट धुआं निकालने के लिए होती है, या इसमें ईंटों का कोई सीन नहीं होता। तो आए जो ईंटें पक चुकी हैं, मैं अब आपको वो शो करूंगा। ईंटें पक चुकी हैं, ये अभी इन्हें वायर लगाया जा रहा है। ये इनको एक वीक हो चुका है इधर लगाएंगे, अब टोटली पक चुकी हैं। ये जो गैप है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कोयला वगैरह जो है वो जल चुका है। देख सकते हैं आप, ये इसमें लिपाई की गई है, ये इस तरह गारे की, ये ईंटों के भी एयर टाइट कर दिया जाता है इसे। इधर लगाते हैं, तो ये सेल के लिए रेडी हैं। अब ये ईंटें आप खरीद सकते हैं यहाँ से, तो ये रेडी हैं इधर। की वीडियो इधर ही एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज। तो चैनल भी सपोर्ट करना। हाँ जी यार, चाचा जी ने कहता है कि सपोर्ट करना है, तो तुसी भी करना।